तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम टुनवाल ई व्हीकल कंपनी के बारे में और उसकी डीलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में देखें तो टुनवाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो 2014 में स्टार्ट हुई थी। कंपनी का मेन ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गांधीनगर गुजरात में है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तकरीबन 5000 स्क्वायर फुट तक फैला हुआ है और रोज़ाना यहाँ पे 400 से भी ज़्यादा बाइक बनाई जाती है। इनकी प्रीमियम ई व्हीकल्स की वाइड रेंज अभी मार्केट में अवेलेबल है। एक स्कूटर सिंगल चार्ज में 55 से लेकर 150 किलोमीटर तक चलती है। मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 250 केजी तक है। हर एक स्कूटर की अपनी अपनी अलग खासियत है। टुनवाल ई स्कूटर को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ये स्कूटर मेंटेनेंस फ्री है, बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, नॉइज फ्री और इको फ्रेंडली भी है। और अगर आप रोज़ाना ये स्कूटर चलाते हो तो पेट्रोल बाइक के कंपैरिजन में एक साल में आप तकरीबन 25,000 रुपये तक बचा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में इनके 10,000 से भी ज़्यादा ई स्कूटर बिक चुके हैं। तो टिल डेट इनके ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 85 से भी ज़्यादा सिटीज़ में टोटल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कंपनी ने बाइक बनाते समय हाईएस्ट क्वालिटी, कंफर्ट एंड स्टाइलिंग, अफोर्डेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का अच्छी तरीके से ख्याल रखा है। एरोडायनेमिक स्टाइल, एंटी थेफ्ट अलार्म, ARAI सर्टिफिकेशन, डिजिटल डिस्प्ले, फ्रंट डिस्क ब्रेक, बैक सस्पेंशन, ट्यूबलेस टायर्स, लीड एसिड एंड लिथियम आयन बैटरी, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रीइंफोर्स्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील चेसिस भी आपको यहाँ पे बाइक में मिल जाएगा। तो अगर आप टुनवाल की डीलरशिप लेना चाहते हो तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, चलो वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे आपको शोरूम एरिया जो है वो 700 स्क्वायर फुट से लेके 1500 स्क्वायर फुट तक का होना चाहिए। बाद में यहाँ पे सर्विस एरिया जो है वो 150 से 200 स्क्वायर फुट का होना चाहिए और साथ ही यहाँ पे आपको एक सेल्स पर्सन और सर्विस पर्सन भी चाहिए जो कि आने वाली बाइक को रिपेयर करे या सेल करने में आपकी हेल्प करे। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 2.5 लाख रुपये है और यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का सेल्स एंड सर्विस का किट डिपॉजिट अमाउंट है। इसमें से 2.5 लाख रुपीज़ जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रिफंडेबल भी है। इन्वेंट्री आपको यहाँ पे 24 व्हीकल्स की है, मतलब इनिशियल लेवल पे आपको 24 व्हीकल यहाँ पे परचेस करने पड़ेंगे। ई बाइक के स्पेयर पार्ट्स की ऑर्डर भी आपको 1 लाख की रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर सर्विसिंग के लिए कोई बंदा आता है तो आपको वहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। पेमेंट इनको 100% एडवांस आपको देना पड़ेगा और जो मार्जिन है वो 10% से स्टार्ट होता है। अगर आप बाइक सेल करते हो तो उसके ऊपर अलग मार्जिन रहेगा और स्पेयर पार्ट्स के ऊपर अलग मार्जिन रहेगा। वारंटी अगर देखें तो लीड एसिड बैटरी वाली जो स्कूटर है उसकी 1 ईयर की है और लिथियम आयन बैटरी वाली 3 ईयर्स की बैटरी वारंटी है इसको। लीड एसिड बैटरी आपको 500 साइकिल देगी और लिथियम बेस्ड आयन बैटरी आपको 1500 साइकिल देगी। तो दोनों बैटरीज़ में आपको मेंटेनेंस कॉस्ट 0 है और यहाँ पे जो चार्जर आपको प्रोवाइड किया जाता है उसमें स्मार्ट सेंसर होने की वजह से आपको ओवर चार्जिंग या अंडर चार्जिंग से भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो दोस्तों, आपको कौन से बिजनेस मॉडल के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।